नाटक सम्राट किसे कहा गया है? इनके दो नाटक के नाम लिखने, मतलब क्या बोल रहा है, इनमें नाटक सम्राट किसे कहा गया, दो नाटक के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हिंदी में नाटक साहित्य को उत्कर्षण पर पहुँचाने का श्रेय किसे दिया गया है? जयशंकर प्रसाद का है। मतलब जो हिंदी में नाटक साहित्य है, मतलब जो हिंदी का नाट्य साहित्यकार है ना, इसको उत्कर्षण मतलब ऊपर तक पहुंचाने का श्रेय किसने दिया है? जयशंकर प्रसाद का है। इन्हीं को ही हिंदी में नाटक का सम्राट कहा गया है। मतलब आपको ध्यान रखना है, एक नंबर में आपसे ये भी पूछ लेगा कि नाटक का सम्राट किसे कहा गया है, तो जयशंकर प्रसाद को। तो आपको ध्यान रखना, हिंदी में नाटक साहित्य को उत्कर्षण पर पहुंचाने का श्रेय जयशंकर प्रसाद का है। इन्हीं को हिंदी में नाटक का सम्राट कहा गया है। चंद्रगुप्त और ध्रुवी स्वामिनी प्रसाद जी कौन कौन है? चंद्रगुप्त और ध्रुवी स्वामिनी प्रसाद की प्रसिद्ध नाटक है। कौन कौन से? चंद्रगुप्त और ध्रुवी स्वामिनी प्रसाद जी की क्या प्रसिद्ध नाटक है? साथियों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे दमदारी से मेहनत करते हैं।